प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज नवी मुंबई के सानपाड़ा में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेवा सप्ताह के तौर पर मनाए जा रहे इस कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी विधायक गणेश नाइक के हाथों किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक, जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, महापौर जयवंत सुतार, महामंत्री डॉक्टर राजेश पाटिल समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। लोक नेता गणेश नाइक ने प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व और देश उत्थान के लिए किए गए कार्यों का गुणगान करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। यहां गणेश नाइक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एम्बुलेंस का भी लोकार्पण किया गया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज नवी मुंबई में महारक्तदान और सामाजिक उपक्रमों के साथ मनाया गया। विधायक गणेश नाइक ने सानपाड़ा के केमिस्ट भवन में आयोजित महारक्तदान शिविर का शुभारंभ करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सच्ची शुभकामना बताया। महारक्तदान शिविर का आयोजन टाटा कैंसर हॉस्पिटल और नवी मुंबई बीजेपी के सौजन्य से किया गया था। यहाँ पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक, जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, महापौर जयवंत सुतार, महामंत्री डॉक्टर राजेश पाटिल और उत्तर भारतीय सेल के जिलाध्यक्ष राजेश राय समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने यहाँ एम्बुलेंस का भी लोकार्पण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और उनकी राष्ट्र सेवा का उल्लेख करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। गणेश नाइक ने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, उनके मिशन को बल मिले इसके लिए यहाँ सेवा समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और भी प्रगति करेगा। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब का ये 71वां जन्मदिन है। 17 सितंबर ये उनका जन्मदिन एक सेवा समर्पण सप्ताह के तौर पे मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पक्ष के गांव से लेके देश स्तर के कार्यकर्ता विविध कार्यक्रमों का आयोजन करें। आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर है, ज़रूरतमंद लोगों को बहुत सारी चीज़ें देने का कार्यकर्ताओं का जो सिलसिला चालू है, वो जनता में एक विश्वास निर्माण कर रहे हैं कि भाई अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन औरों के लिए जीने वालों की भी कतार बहुत लंबी है। आज जिस ढंग से सेवा समर्पण सप्ताह ये जनता के सेवा में रुझू हो रहा है, वो जनता का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी साहब को ये बड़ी ताकत देगा। उनकी आयु बढ़ेगी और उनका कार्य अखंड गतिमान होने के लिए कामयाबी की ओर वो चलेंगे। इसलिए सब कार्यकर्ता जमा हुए हैं, सब में एक त्याग भावना मुझे दिख रही है, औरों के लिए कुछ करने की धारणा दिख रही है। इतने दिनों में उन्होंने किया है सब कार्यकर्ताओं ने, आगे आगे वो भावना और बढ़ती जाएगी ऐसा मुझे विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।